एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का टाइम हो रहा है और घर का ऑलमोस्ट काम निपट चुका है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कूलर में पानी। तो पूरा दिन जो है बच्चे इस रूम में रहते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग जो है कूलर ही यूज़ करते हैं, एसी वगैरह थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं। और हार्डली जो नाइट में जो है हम लोग एसी का यूज़ करते हैं दोपहर में, तो बस इसी से जो है काम चल जाता है। तो यहाँ पर कूलर में पानी डाल रही हूँ और इस कूलर में पानी डालते हुए थोड़ा सा पानी जो है नीचे भी गिर जाता है, तो उसको भी मैं यहाँ पर क्लीन कर लूँगी। हालांकि मैं मॉर्निंग में बालकनी वगैरह सब कुछ धो चुकी हूँ, सब कुछ क्लीन कर चुकी हूँ, और कूलर में पानी डालते हुए थोड़ा सा काम जो है ना बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा फिर अंधेरा कर लूँगी रूम में, ताकि कूलर जो है ठंडी ठंडी सी हवा दे, और बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं जब मैं कूलर ऑन कर देती हूँ तो। और यहाँ पर बैठ के बच्चे जो है अपना लैपटॉप में गेम वगैरह देख रहे हैं, एंड मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो यहाँ पर जो है सारे दरवाज़े जो है ना खुले हुए थे, तो सबसे पहले मैं टीवी ऑन करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर जो है टीवी देख लूँ और ये सारे पर्दे वर्दे लगा दूँगी, डोर वगैरह जो है बंद कर दूँगी, क्योंकि आजकल जो है बहुत गर्म हवा चलने लगी है और एकदम से रूम जो है गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लाइट ऑन कर ली है और साथ में टीवी भी ऑन कर लिया है। तो वैसे लाइट ऑन करके भी थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन अगर लाइट ऑन नहीं करती तो आप लोगों को अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, इसीलिए थोड़ा देर के लिए मैंने लाइट ऑन कर ली है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मंडे और आज है ईद, तो आप जितने भी मेरे मोमडन सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे देखते हैं, सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको जो है ईद मुबारक हो। दोपहर के बज चुके हैं ठीक 12 और मैं जा रही हूँ लंच बनाने किचन में। लंच बनाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको ईद की मुबारकबाद दे दी जाए। और आज जो है ना, मैं काफ़ी दिनों बाद मॉर्निंग में थोड़ी देर टीवी देख रही थी, अपने लिए थोड़ी देर जो है मैंने टाइम निकाला, और वो हुआ ये क्योंकि आज जो है मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, जो है आज मैं 6 बजे उठ गई थी, और इस वजह से जो है ना सारा काम फटाफट से निपट गया। और जब सारा काम निपट गया, सब भी उठ गए सुबह जल्दी, तो नाश्ता वगैरह भी टाइम पर हो गया, तो फिर थोड़ा सा जो है अपने लिए टाइम मिल गया। और विदांश जो है अपने फ्रेंड के घर गए हैं खेलने के लिए, हमारे नेबर हैं सिस्टर हमारे बगल में रहते हैं, तो उनके घर जो है खेलने गए हैं, जो है बाहर अपना जो है ऑफिस का काम कर रहे हैं, और हमने जो है ना बात कर ली है, एंड बात स्टार्ट मैंने की क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी इनकी शक्ल देख देख के सुबह। तो फिर मैंने पूछ लिया था कि चाय बना दो, तो बोला हाँ, तो बस हमारी बात हो गई, तो इतनी रहती है हमारी लड़ाई, ज़्यादा नहीं चलती है। तो मैं जा रही हूँ किचन में, फटाफट से लंच बना देती हूँ, एंड इसके बाद फिर तो लंच का टाइम हो चुका है। और आज लंच में बन रहा है उड़द और जो चना होती है उसकी मिक्स दाल और चावल। तो यहाँ पर थोड़ा सा दाल को मैंने क्लीन कर लिया है, वैसे तो दाल क्लीन ही रहती है, लेकिन फिर भी एक वहम सा रहता है कि कहीं दाल में पत्थर वगैरह ना हो, तो बस थोड़ा सा क्लीन करके इसको जो है मैं अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी, एंड उसके बाद जो है मैं इसमें आरओ का पानी डालती हूँ हमेशा जो है दाल बॉईल करने के लिए, और साथ में इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी और हल्का सा जो है सरसों का तेल ऐड करके इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो सरसों का तेल तो आपको पता ही है क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो दाल है इसके छिलके निकलते हैं और जो प्रेशर कुकर की लिड होती है ना, ये उसमें जो है चिपक जाते हैं। और दूसरी तरफ ही जो है मैं दही जमा रही हूँ, तो आजकल दही बहुत जल्दी जम जाती है, हार्डली 2.5-3 घंटा लगता है दही जमने में, और बहुत अच्छे से जम जाती है। तो साथ के साथ दही भी जमा देती हूँ ताकि ज़्यादा खट्टी ना हो, और हमेशा कांच के बाउल में जो है मैं दही जमाती हूँ, और साथ ही चढ़ा दूँगी चावल। तो ये जो चावल है इन्हें थोड़ी देर जो है मैं भिगा के बनाती हूँ, तो भिगा के चावल बनाने से चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं, चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पर चावल वगैरह जो है ना मैं भिगा दूँगी और चढ़ाऊँगी, तब जब दाल बॉईल हो जाएगी ना तब इनको मैं पकाने के लिए रख दूँगी, तो उतनी देर ये अच्छे से जो है भीग जाएंगे। और यहाँ पर तब तक मैं दाल के लिए एक प्याज और थोड़े से जो लहसुन है उनको छील लूँगी। तो यहाँ पर रूम पे बैठ के मैं छील रही हूँ, और मेरे सामने ये भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने इनको कैमरे पे नहीं लिया हुआ है, मैंने सिर्फ खुद को कैमरे पे लिया है, इनको नहीं लेती हूँ मैं। और उसके बाद जो है बाहर कपड़े सूख चुके थे, तो मॉर्निंग में ही कपड़े मैंने धो के डाल दिए थे और ये सूख चुके थे, तो फिर मैं इनको भी अंदर ले आई जब तक और काम होता है। ऐसा होता है कि छोटे छोटे जितने काम होते हैं ना हम लोगों को, वो फटाफट से निपटा लो
और यहाँ पर ना मैं स्लीपर पहन के नहीं गई थी तो मेरे पैर जो है ना एकदम जल गए थे। तो यहाँ पर दाल चावल बन के एकदम रेडी हैं और अब जो है यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए खाना लगा दिया है। और विदांश को देखो कैसे खा रहा है, एक तो उसका मुँह जल गया, बहुत गर्म गर्म खाना था और ऊपर से ना ऐसे खा रहा है जैसे टेस्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये सब इसकी चाल होती है ताकि इसको मम्मा खाना खिलाए, क्योंकि अपने आप खाने में ना इसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आलस है। बस इतना आलसी है कि खाना इसको उठा के कोई इसके मुंह पे डाल दे तो मुझे लगता है इसको चबाने में भी आलस आता है। और यहाँ पर मैंने उसको बोला कि अपना बटन बंद करो तो वो खड़ा हो गया, उसको लगा मम्मी पीटेगी, मम्मी डांट रही है, तो मैंने कहा बैठ जाओ मैं पीट नहीं रही हूँ। एंड यहाँ पर हो चुका है शाम का टाइम, तो दिन में खाना वाना खा के हम लोग रेस्ट कर रहे थे और शाम का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर जो है मैं चाय बना रही हूँ, तो फटाफट से आजकल जो है ना मेरी चाय अदरक वाली थोड़ा सा कम बन रही है, मोस्टली इलायची का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। चाय पीने का तो मन करता है लेकिन अदरक डाल के पीने से ना ज़्यादा गर्म हो जाता है। और यहाँ पर हम दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं, ये अपना लैपटॉप में जो है काम भी कर रहे हैं और साथ में हम लोगों ने जो है ना न्यूज़ भी लगाई हुई है, तो लैपटॉप पे काम भी चलता रहता है और जो है न्यूज़ भी देखते रहते हैं। एंड इवनिंग में जो है ना ये पौधों को पानी डाल देते हैं, तो गर्मियों में मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग एंड इवनिंग दो टाइम जो है ना पौधों को पानी डालता है। तो आप देखिए मॉर्निंग में डाला था और शाम तक हालत देखिए इनकी, एकदम सूख जाते हैं, कोई कोई पौधा तो बिल्कुल सूख जाता है। तो बस यहाँ पर ये पानी डाल रहे हैं सारे पौधों में। शाम के 7:30 बज गए हैं और मैं अभी तक बैठी हुई हूँ, मैंने अभी आज डिनर नहीं बनाया है। हाँ जो है ना अंधेरा भी हो गया है थोड़ा थोड़ा सा, दिया बत्ती का टाइम हो गया है, डिनर का टाइम हो गया है, आज थोड़ा सा लेट लेट करके जो है ऐसा ही हो गया। बस अब जा रही हूँ किचन में और सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। एक मन कर रहा है बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बना लूँ, एक मन कर रहा है बैंगन का भरता बना लूँ, तो पहले पूछूंगी कि क्या खाना है एंड उसके बाद जो है मैं बनाऊंगी। और यहाँ देखिए ये क्या हो गया है मेरे लिप्स पे, और ये पता है क्या हुआ है, एक्चुअली ये मुझे और मेरी मम्मी को दोनों को होता है। और ये होता कब है, ये होता तब है जब हम लोग ना किसी चीज़ को देख के घिन आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने लेकिन हमारी फैमिली में सिर्फ मुझे और मम्मी को होता है। तो मैं पता नहीं किसी चीज़ को देख के शायद घिना गई होंगी, मुझे भी नहीं पता कि किस चीज़ को देख के घिनाई, बस जब ये हो जाता है ना तब मुझे पता लगता है कि किस चीज़ को देख के घिनाई हूँ। और ये कल से मुझे ना यहाँ पर इचिंग सी शुरू हो गई थी एंड आज ये देखिए कितना जो है ना स्वेलिंग सी भी आ गई है। और मैं हमेशा अपनी मम्मी को यही बोलती हूँ कि मम्मी जब देना ही था तो कुछ अच्छा ढंग का दे देती, ये ऐसी बीमारी मुझे क्यों दी है। तो मम्मी हंसती है, मम्मी कहती है मम्मी को ना मतलब मम्मी के भी होता है तो मेरे भी होता है, तो मैं मम्मी को कहती हूँ कि अपना कलर दे देती मुझे थोड़ा सा तो कितना अच्छा रहता है, क्योंकि मेरी मम्मी बिल्कुल एकदम गोरी चिट्टी है और मेरा कलर थोड़ा सा सांवला है। अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि भाई को और बहन को तो अपना कलर दे दिया और मुझे दे दिया ये सब चीज़ें जो उल्टी उल्टी सी चीज़ें होती है, जैसे ये इन्फेक्शन सा हो जाना। और मम्मी के बैक में भी जो है ना पेन रहता था तो मेरे भी बैक में जो है पेन रहता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मम्मी और मुझे सेम होती हैं, तो मैं मम्मी को ऐसे ही छिड़ाती रहती हूँ, छेड़ती रहती हूँ। और मुझे बड़ा सा वो लगता है कि जब मेरे ये हो जाता है ना मुझे बहुत ज़्यादा बेकार सा लगता है, वो मम्मी की दी हुई सिर्फ इस वाली चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मम्मी ने ये मुझे क्या दिया। हालांकि मम्मी ने नहीं दिया है लेकिन होता है ना, मतलब जीन्स में आता है, जैसे माँ को कुछ चीज़ प्रॉब्लम होती है ना तो बेटियों को हो जाती है, तो ऐसा मैंने देखा है। तो बस वही है, अभी दरवाज़ा बंद किया हुआ है और दरवाज़ा इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि आपसे बात नहीं कर सकती थी, बच्चे आ जाते हैं बहुत शोर करते हैं, बच्चे दोनों मंदिर वाले रूम में खेल रहे हैं और ये बैठे हैं अपने दूसरे रूम में हैंड फ्री लगा के आराम से मूवी देख रहे होंगे कूलर वूलर चला के। तो चलिए मैं फटाफट से जाती हूँ किचन में, डिनर की तैयारी करती हूँ, शाम की दिया बत्ती करती हूँ। तो शाम के डिनर का जो है टाइम हो गया है और मैं इनसे पूछ रही थी कि आप लोग क्या खाओगे, बैंगन का भरता खाओगे या गट्टे की सब्ज़ी खाओगे, तो दोनों में से इनको कोई ऑप्शन अच्छा नहीं लगा। इन्होंने बोला हम लौकी के जो है ना कोफ्ते खाएंगे, और मुझे इतना गुस्सा आया ना क्योंकि ऑलरेडी मेरे को काफ़ी लेट हो गया था और उसके बाद लौकी के कोफ्ते बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्या करूँ बनाने पड़ते, जो बोलता है तो बनाना ही पड़ता है, अदरवाइज़ ही खाने के लिए ना थोड़े से नखरे दिखाते हैं और सारे के सारे जो है ना नखरे दिखाते ही हैं, ये तीनों ही ऐसे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने लौकी को अच्छे से घिस लिया है और इसका जो पानी है ना वो मैं निकाल रही हूँ, इसमें ऐड कर दिया है मैंने बेसन और नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला धनिया पाउडर जो बेसिक मसाला होता है वो ऐड कर दूँगी और फिर जो है अच्छे से हाथों से इसको मिक्स कर लूँगी। तो इसके हमें कोफ्ते बनाने हैं और कोफ्तों की रेसिपी मैंने एक बार पहले भी जो है अपने चैनल पर दिखाई हुई है
और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है मैंने कोफ्ते बनाने के लिए, ऑयल गर्म हो गया है, कोफ्ते उसमें डल चुके हैं और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो ये तो सबको पता ही है कि कोफ्ते इसी तरीके से फ्राई होते हैं। तो एक बार के जो है ना कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब मैं दूसरी बार के जो है इसमें कोफ्ते डालूंगी। और थोड़ा सा जो इसका कोफ्तों का जो मिक्सचर है ना वो मैंने बचा लिया है ग्रेवी के लिए। और यहाँ पर कोफ्ते जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। एक्स्ट्रा ऑयल जो है मैं निकाल रही हूँ, कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऑयल था और बच्चे जब ऐसे आते हैं ना तो बहुत डर लगता है जब खाना बनाते हुए आते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल में डाल दी है राई और थोड़ी सी हींग, साथ में चॉप्ड अनियन और उसमें थोड़ा सा लहसुन भी है, तो दोनों को हमने मिक्स करके चॉप किया था चॉपर में। और जैसे ही ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ जो है ऐड कर देंगे, लेकिन हिसाब से करेंगे क्योंकि जो हमने पेस्ट बचाया हुआ है उसमें भी ये सब कुछ है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर हम लोग इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे, इससे कोफ्तों में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत टेस्टी लगते हैं, खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हमने ऐड कर दिया है वो पेस्ट और अच्छे से इसको भी भून लेंगे। और जैसे ही ये अच्छे से भून जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, पतली ग्रेवी खानी है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी, और गाढ़ा गाढ़ा खाना है तो कम पानी। और यहाँ पर जो है कोफ्ते बनके रेडी हैं, तो जब ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी तब एंड में जो है आपको उसमें कोफ्ते डाल देने हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने वही बासी दाल और चावल लेके। तो मैंने जो है कोफ्ते नहीं खाए थे क्योंकि दोपहर की दाल चावल बचे हुए थे और मेरे फेवरेट, तो मैंने सोचा यही खा लेती हूँ, कोफ्ते मॉर्निंग के काम आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ एंड उसके बाद किचन विचन क्लीन कर लूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग के साथ, तब तक ले।